आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज सजेस्ट अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ अ गैस व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज ऑफ द सन। ठीक है, सेकंड बोला गया नाइट्रोजन ऑक्साइड एस्टिमेटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स स्लोली डिप्लेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमोसफेयर कॉमन। ठीक है, तो हमें बताना है, तो चलो अपन पहला देखते हैं कि सजेस्ट करनी है हमें क्वांटिटेटिव मेथड के लिए, जिसमें एस्टिमेट गेज होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमको यूवी रेज से फ्रॉम सन। ठीक है, तो देखो जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है वो होती है हमारी ओजोन गैस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो ओजोन होती है, ओजोन होती है हमारी O3। ठीक है, ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, अब देखो अब बात आता है, हमें यहाँ पे बोला है कि सजेस्ट अ क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो देखो क्वांटिटेटिव मेथड जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होती है देखो वो देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है। यहाँ पर I- जो होता है रिएक्ट करता है ओजोन के साथ यानी कि O3 के साथ, और H2 भी होता है साथ में। तो देखो ये हमें क्या देता है, यहाँ पे ये हमें आयोडीन निकलती है, आयोडीन लिब्रेट होती है यहाँ पर और 2OH- एंड O2 मिलती है। ठीक है, ये होता है, फिर ये जो हमारी आयोडीन जो लिब्रेट हुई ये आगे रिएक्ट करती है किससे, सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, तो इधर लिखती हूँ, ये जो हमारी आयोडीन होती है ये किससे रिएक्ट करती है, सोडियम थायो सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन जो होती है वो यूज होती है एज अ इंडिकेटर। ठीक है, आयोडीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है आगे, तो देखो I2+ सोडियम थायो सल्फेट होता है हमारा Na2S2O3। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, Na2S4O6 और बनता है यहाँ पे 2NaI। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो बना हमारा ये होता है सोडियम टेट्रा थायोमेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, 2NaI भी बनता है, सोडियम आयोडाइड भी बनता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो देखो जितनी आयोडीन जो होती है यहाँ पर रिलीज होगी या फिर जितनी आयोडीन यहाँ पर निकलेगी बनती है तो उससे यहाँ पर हमारा एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मेथड के लिए जो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के लिए जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो और हमसे पूछा गया था कि यूवी रेज से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वो तो हमारी ओजोन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया। सेकंड का आंसर है, हमें क्वेश्चन बोला गया नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो इमिट करता है एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑफ सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन में स्लोली डिप्लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमोसफेयर। ठीक है, तो चलो ये देखो, तो देखो यहाँ पर ये बोला है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, स्लोली डिप्लेट हो रही है। ठीक है, तो उसमें हमें बताना है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड है ये हमारा, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO होता है, ये क्या करता है हमारे ओजोन लेयर के साथ मतलब ओजोन के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ये हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो NO है होती है इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है किसके लिए, ओजोन के लिए, फॉर ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओजोन के लिए जो इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है उसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है यानी कि NO गैस होती है, तो ये क्या करती है O3 के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाती है, एक तो NO2 गैस बनाती है और यहाँ पर बनाती है O2 गैस। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है यहाँ, तो देखो यहाँ पर अपनी जो ओजोन है वो क्या हो रही है, ये ऑक्सीजन के उसमें डिप्लेट हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के उसमें चेंज हो रही है, तो इसके कारण जो होता है
तो इसके कारण जो अपनी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लेट हो रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि वो स्लोली डिप्लेट हो रही है, उसका क्या रीजन था। तो उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करके O3 जो होती है रिएक्ट करती है, वो NO2 और O2 बनाती है, जिसके कारण अपना जो लेयर हो रही है वो डिप्लेट हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।